चर्चा करने के लिए हमारे बीच आदरणीय पुरुषोत्तम अग्रवाल जी, प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल जी दिल्ली से आए हैं और देश में घूम घूम कर नेहरू जी के बारे में, गांधी जी के बारे में हो गया ना, कितना बात करवाओगे? आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच उपस्थित हैं। पहले करवा लेते भैया, मैं उनका स्वागत करता हूँ। आप सबसे निवेदन की दोनों बड़ी बजाय उनका स्वागत करें। ये भी सौभाग्य की बात है कि राजीव भवन बनने के बाद पहली बार, मैं तो कहूँ कि मेरे अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार कांग्रेस भवन सुजन जी भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। आदरणीय अरविंद नेताम जी, आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी, आदरणीय कामरेड साहू जी, आदरणीय डॉक्टर भूषण सिंह जी, आदरणीय आशीष जी, आदरणीय उपस्थित सभी का नाम लेना संभव नहीं हो पा रहे, इसलिए सबसे क्षमा चाहते हुए उपस्थित सज्जनों, कांग्रेस के पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण और मीडिया के सभी साथीगण, आज देश नेहरू जी की स्मरण कर रहा है। आज उनके प्रति स्मरण का दिन है। मुझे लगता है कि जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं तब उनके सपनों को याद करते हैं, चाहे गौतम बुद्ध हो, रामदास हो, विवेकानंद जी हो, महात्मा गांधी हो, जितने भी महापुरुष हैं, हम उनको याद करके उनके सपनों को, उनके विचारों को याद करते हैं। आज नेहरू के भारत के बारे में चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं, उन्हें याद करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज उस विषय में चर्चा होगी जिसके नींव आदरणीय नेहरू जी ने रखी थी। आज हम सब उनकी विरासत के बारे में भी चर्चा करेंगे। आदरणीय अग्रवाल साहब यहाँ उपस्थित हैं, आप सबसे चर्चा करेंगे। मैं उनके बारे में बहुत ही संक्षिप्त बात करना चाहता हूँ। नेहरू जी को जानने वाले लोग यहाँ बहुत सारे हैं, लेकिन उनको पढ़ने वाले लोग भी, यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं जिन लोगों ने नेहरू जी को पढ़ा है, उनके जो प्रसिद्ध पुस्तक भारत की खोज आप सब ने सुना होगा, बहुत लोगों ने पढ़ा है, लेकिन जब उसे पढ़ें, हम जितना पढ़ते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। नेहरू जी के विशद ज्ञान के बारे में, उनके इतिहास, भूगोल, धर्म, दर्शन, ये सारे विषय हैं जिसके बारे में उनके बहुत गहरी रुचि भी थी और बहुत ही उनको ज्ञान भी था। इस पुस्तक से पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है कि नेहरू जी इस देश की ऐसी कल्पना करना करते थे जो अपने गौरवशाली इतिहास याद तो रखें लेकिन उसके बोझ सर से उतार दें, जो अपनी परंपराओं से विमुक्त ना हो लेकिन कोंगापन और दतियानुसी विचारों को आगे न ले जाएं,
जो राष्ट्रवाद की बात करे, अंतरराष्ट्रवाद की कल्पना उनके मन में अवश्य हो, संकुचित राष्ट्रवाद न हो जो अपने पड़ोसी देशों को कुचल कर आगे बढ़ने की कल्पना करे। 20वीं सदी में जब भारत आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, उस समय यूरोप में अतिनायकवाद और फांसीवाद से लड़ाई चल रही थी। ये वही काल है जिसमें दुनिया में बहुत सारे खोज हुए, और उसी समय जवाहरलाल नेहरू जी भारत के भविष्य की कल्पना कर रहे थे। आजादी के साथ देश का विभाजन हुआ, बहुत सारे लोग नेहरू जी का इसमें दोष देखते हैं, लेकिन दरअसल जिन्ना ने देश का बंटवारा किया और उसके 16 साल पहले विनायक दामोदर सावरकर ने, जो हिंदू महासभा के नेता थे और उन्होंने धर्म आधारित हिंदू और मुस्लिम राष्ट्र की कल्पना की थी, बीजारोपण सावरकर ने किया था और उसे पूरा करने का काम जिन्ना ने किया। आदरणीय साथियों, नेहरू जी ने भारत एक खोज में लिखा है, चाहे कट्टरता चाहे किसी में हो, वो देश के लिए नुकसानदायक है। चाहे मुस्लिम कट्टरता की बात हो, चाहे हिंदू कट्टरता की बात हो, चाहे किसी प्रकार के कट्टरता की बात हो, वो देश के लिए घातक है, नुकसानदायक है, समाज के लिए नुकसानदायक है। नेहरू जी धर्म निरपेक्ष राष्ट्र की कल्पना करते थे। नेहरू जी रूढ़िवादी और पूंगापंथी के विरोध में थे। जवाहरलाल नेहरू जी को जैसे ही ये जिम्मेदारी मिली देश के निर्माण की, आपको याद होगा सबसे पहले संविधान सभा का निर्माण किया गया 1950 में हम गणतंत्र हुए, और 1953 में ही नेहरू जी ने परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना की। 1956 में उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान, जिसे हम एम्स कहते हैं, उसकी उन्होंने स्थापना की। 61 में आईआईटी की स्थापना की। 62 में आपने देखा होगा जो 104 सैटेलाइट आज एक साथ छोड़ रहे हैं, तो नेहरू जी ने 1962 में ही अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र की स्थापना की थी, जिसके कारण से आज 104 सैटेलाइट एक साथ छोड़ रहे हैं। सफल जिस देश में गरीबी और भुखमरी से जूझ रहा हो, नेहरू जी की दूरगामी सोच इसे निपटने की तैयारी कर रहे थे, तभी तो उन्होंने बीराकुंड भाखड़ा नंदल बांधों का निर्माण किया, रोजगार देने के लिए बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना की, जिसका एक उदाहरण हमारे छत्तीसगढ़ में भिलाई स्टील प्लांट है। उन्होंने खाद बनाने के पावर प्लांट बनाने के, लोहा बनाने के सारे बड़े उद्योग स्थापना उन्होंने की, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। हमें गर्व करना चाहिए कि इसकी नींव नेहरू जी ने रखी। आज वैश्विक शक्ति बनने की कोशिश हम कर रहे हैं, उसके नींव में कोई व्यक्ति है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी।
नेहरू जी सवाल पूछे जाने के पक्षधर थे। प्रजातंत्र में सबसे बड़ा हथियार आम जनता का होता है वो सवाल पूछने का अधिकार। एक बार नेहरू जी शरणार्थी शिविर में गए हुए थे, निरीक्षण कर रहे थे, एक महिला ने उसका कॉलर पकड़ लिया। उस महिला ने कहा, आप तो प्रधानमंत्री बन गए, हमें क्या मिला? प्रधानमंत्री कॉलर पकड़े तो कुछ लोग तोड़े। नेहरू जी ने उसे रोकते हुए उस महिला से कहा, आप मेरा कॉलर पकड़े, थोड़ा ढीला करिए। महिला ने हाथ ढीला किया और नेहरू जी ने कहा, आजादी में प्रधानमंत्री की कॉलर पकड़ के प्रश्न पूछ लिया। किसी दूसरे देश में संभव नहीं है। आज जो प्रधानमंत्री है उसे आप सवाल नहीं पूछ सकते। 5 साल में आखिरी बार पत्रकार वार्ता लिए, दाएं बाएं करते रहे, लेकिन एक सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया। अफसोस यह है कि नेहरू की भारत को बदलने की कोशिश की जा रही है, धर्मनिरपेक्षता खतरे में है, वैज्ञानिक सोच की जगह वोगा पंख ने ले लिया है, लगता है कि जो नींव नेहरू जी ने भारत में मान के लिए डाला था उसमें से कुछ खिसक गया है। आदरणीय साथियों, बहुत ज्यादा मैं और नहीं कहता, आदरणीय अग्रवाल जी और आपके बीच में नहीं रहना चाहता, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि आज हम लोग जहां खड़े हैं उसमें सबसे बड़ा योगदान यदि किसी का है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। वो चाहते तो नासिर और टीटो की तरह, जो उनके मित्र थे, उनके तरह राष्ट्राध्यक्ष बन सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। प्रजातंत्र को नेहरू जी बेहतर समझते थे, यहाँ के अनेकता को बेहतर समझते थे और उसी अनेकता में एकता दिखाकर, एकता स्थापित कर, जो हमारे देश के प्राचीन परंपरा रही है। भारत एक ऐसा राष्ट्र जो विभिन्न असमानताओं को पचाने की क्षमता रखता है और वही प्रतिबिंब कांग्रेस में भी है, अनेक असहमति को पचाने की क्षमता रखता है और असहमति के बीच सहमति बनाने की ताकत यदि किसी में है तो कांग्रेस पार्टी में है, और जिसका सबसे बड़ा देन यदि किसी का है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। आज हम उनके ऋणी हैं और हम सबको जो जवाहरलाल नेहरू जी ने जो रास्ता दिखाया उस रास्ते पे चलकर लड़ाई लड़नी होगी और प्रजातंत्र को मजबूत रखना होगा, करना होगा। देश की एकता और अखंडता के लिए हम सबको लड़ाई लड़नी होगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः पंडित जवाहरलाल नेहरू को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और आदरणीय अग्रवाल साहब को, पुरुषोत्तम अग्रवाल जी को आपके तालियों के बीच उन्हें आमंत्रित करता हूं। आए हम सबको संबोधित करें आदरणीय अग्रवाल साहब।